Simon like Nastya? Wow! Chocolate! Oh, chocolate! ये सही नहीं है। हाँ, सच कहा। एक दो तीन। अब सही हुआ। चॉकलेट तो नहीं है। अच्छा, मैं जानता हूँ। चलो। अब देखने चलते हैं कि चॉकलेट कैसे बनती है। अगर आपको भी मेरी तरह चॉकलेट पसंद है, पसंद तो होगी। चॉकलेट हमारी टेबल पर आने से पहले सॉफ्ट व्हाइट कोको बीन्स से हार्ड चॉकलेट का सफर करती है। इसकी शुरुआत चॉकलेट पेड़ के बीज से होती है। आइए देखें कि कोको कैसे उगता है। ग्रीन तैयार कोको नहीं है, येलो तैयार कोको है। नहीं, ऐसे नहीं। पके हुए कोको बीन्स खाए जा सकते हैं, लेकिन उनका स्वाद चॉकलेट की तरह नहीं, मैंगो की तरह होता है। स्वादिष्ट। हेलो। चॉकलेट के स्वाद के लिए कोको बीन्स को कई दिनों तक रखा जाता है, जब तक कि फर्मेंटेशन अपना काम न कर ले। इसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं होती। इसके बाद कोको बीन्स को सूर्य के ताप में सुखाया जाता है। अब इसमें चॉकलेट की खुशबू आएगी। इसे एक खुरपे से हिलाया जाता है, ये जांचने के लिए कि ये सूखे हैं या नहीं। इतना आसान नहीं है, लेकिन यही रास्ता है चॉकलेट बनाने का। और कोको बीन्स को गर्म आंच पर सेका जाता है और पाउडर बनाया जाता है। इसमें मजा तभी आएगा जब आप इसे पूरी तरह एंजॉय करेंगे। लगभग हमारी चॉकलेट तैयार है, लेकिन हम इसे सही आकार कैसे दें? कोको पाउडर को बटर के साथ मिक्स किया जाता है एक खास मशीन से। अब ये चॉकलेट की तरह लग रही है। अब ये चॉकलेट स्प्रेड की तरह दिख रही है, तो इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम चॉकलेट स्प्रेड को ठंडी टेबल पर डाल देंगे। इस तरह चॉकलेट जल्दी ठंडी हो पाएगी। लगभग हो गया। अब मन चाहा सांचा ले और उसमें चॉकलेट को डाल दे। लीजिए पापा। कार। और मेरी डॉल्फिन। आधे घंटे के लिए फ्रिज और जादू। स्वादिष्ट चॉकलेट तैयार है। तैयार। तैयार। देखिए हमारी चॉकलेट। नास्तिया और पापा को चॉकलेट से फेस मास्क के लिए कहा गया है। ये स्किन के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि चॉकलेट एक स्वादिष्ट खाद्य ही नहीं बल्कि एक प्राकृतिक उत्पाद भी है। सुवेनिर।